राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे स्मिता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस, और वो हम बहुत ही कम सामान में बनाएंगे। हमने एक गोल्डन रिबन लिया, ये थोड़ा सा ज्यादा शाइनिंग वाला लिया, बहुत ही पतला है, अच्छी फिनिशिंग इसकी आती है। तो इस तरीके से आप कोई वैसा एक मोटा रिबन आता है ऐसा नहीं लेना, ये अलग से ही फिनिशिंग का रिबन होता है। ये देखिए कितने आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आपका सॉफ्ट होना जरूरी है, देखिए कितना सॉफ्ट है। तो ये बस एक मैं रिबन लेके आई हूँ, और ये वेलवेट का कपड़ा मैंने पहले कान्हा जी की ड्रेस बनाई होगी तो जब ही का पड़ा हुआ है मेरे पास में। तो ये जो है इसमें सबसे अच्छी बातें रहती है कि आपको इसमें किनारी जो है फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें धागा नहीं निकलता, और इसको आप बिना सिलाई के भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनती है, मैंने एक दो ड्रेस बनाई हुई भी है और कॉटन में भी मैंने बनाई, लेकिन इसमें बिना सिलाई के आप बना सकते हैं। तो चलिए ये तो बाद में, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा है, क्योंकि मेरे 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए मैं बना रही हूँ, तो सिर्फ ये दोनों चीजें मैं यूज करूंगी। तो पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ कि मैंने कितना कटिंग किया है, तो फिर मैं आती हूँ कटिंग करने के बाद में। तो देखिए मैंने 2 पीसेस काटे, एक हमारा चोली का है और एक हमारा नीचे का घेरे का है, और इसका जो नेपी बनेगा वो बिना ही सिलाई के बनेगा, बहुत ही आसान है। मैं ड्रेस के बाद में आखिर में बताती हूँ कैसे इसको कटिंग करना है, लेकिन मैंने काफी नेपी बनाए अपने कान्हा जी को पहनाती हूँ, बहुत ही आराम से कान्हा जी इनको पहन के भी कंफर्टेबल भी होता है, और आपको सिलाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए हमने 2 पीसेस काटे, एक लंबी पट्टी काटी हमने चोली के लिए, तो इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच हमने ली है इस तरीके से, ये देखिए, और इसे हमने चौड़ाई ली है क्योंकि हमने इसमें कोई फोल्ड नहीं करना, ये हमने लिया है 1/4 इंच, ये देखिए यहाँ तक, 1 इंच से थोड़ा सा हमारा कम है। और दूसरी पट्टी घेरे के लिए हमने 2 इंच लिया ये चौड़ी, और 14 इंच हमने लिए लंबी इस तरीके से, ये हमारी सॉरी ये देखिए मैं आपको बहुत ही देखिए कितना सॉफ्ट है, कम ठंड के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी एक ज्यादा कॉटन पहनाना सही नहीं है कान्हा जी को, क्योंकि बच्चे हैं तो ठंड तो है ही हल्की हल्की। ये देखिए 14 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी, हमने 2 पट्टियां तैयार कर ली है, और इस पे हमने क्या करना है अपना गोल्डन धो ये जो है गोटा, आप चाहे तो सुई धागे से बारीक बारीक कच्चा करके इसको लगा सकते हैं, मशीन से लगा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। यहां से इस तरीके से ये देखिए गोटा है, आधा नीचे रखना है इसके, बिल्कुल आधा आधा ये देखिए, और ऐसे फोल्ड कर देना है, यानी कि इसको बीच में रख लेना है, और यहाँ पर किनारे का बखिया लगाना है, तो ये हमारी इस तरीके से सील हो जाएगा ये, और ये देखिए ऐसे। तो दोनों तरफ हमने एक इधर और एक इधर दोनों तरफ इस तरीके से तैयार कर लेना है। और घेरे को कैसे तैयार करना है, आपको अगर चौड़ा लगाना है तो आप इस तरीके से लगा के एक किनारे की बखिया और एक इधर की बखिया इस तरीके से आप फिनिशिंग कर सकते हैं, ये देखिए। और छोटा लगाना है तो इस पे भी इसी तरीके से आप आधा आधा लगा लीजिए। तो ये मेरी छोटी ड्रेस है, मैं चौड़ा ना लगा के इसमें बारीक इसी तरीके से इसको भी, तो दोनों का तरीका एक है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से रख के आप किनारे की सिलाई लगा दीजिए या सुई धागे से कच्चा कर दीजिए। तो ये देखिए हमने इस पट्टी के दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई कर दी, और यहाँ पर भी इस तरीके से फोल्ड करके नीचे लगा दी। तो देखिए गोल्डन इसका ये हमारा कितना प्यारा, ये देखिए आप रेड पे लगाएंगे, ग्रीन पे, इसके कलर बहुत अच्छे होते हैं, तो इस पे गोल्डन कलर बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए हमने कोई ज्यादा हैवी कोई काम नहीं किया, अभी से कितना सुंदर लग रहा है, तो बन के कितना सुंदर लगेगा। अब देखिए जो किनारे ये हमारे, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से इस लेस को ऐसे फोल्ड करके, ये देखिए ऐसे यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, आधा नीचे आधा इस तरीके से, और इधर भी हम दोनों साइड ऐसे ही हम इसको सील कर देंगे। अब हम इस पीस को चोली वाले को यहां से कट कर देंगे, क्योंकि हमें 2 पीस चाहिए, और ये देखिए एक ये इस तरीके से और ये, तो ये हमारी इस तरीके से चोली बनेगी। तो हमने क्या करना है, दोनों पीसेस को यहां से थोड़ा सा सिलाई मार लेनी है, इतना सा सिर्फ, यानी कि 1/2 इंच के करीब आपको यहां से सिलाई लगानी है।
तो देखिए हमने यहाँ से आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरीके से हमारी चोली, अगर आपको अलग से चोली जैसे यहाँ से घोटा लगा देते हैं और पीछे से बांधने वाली चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मोटा कपड़ा है तो इसमें बहुत मोटा मोटा लगेगा। बड़ी ड्रेस बनाते हैं तो आप उसमें आसानी से बना सकते हैं, छोटी है तो फ्रॉक की तरह ठीक रहेगी। यहाँ से हमने आधा इंच सिलाई लगाई, अभी हमारा उल्टी साइड है, देखिए ये हमारा सीधी साइड है। इस तरीके से उल्टी साइड करके यहां से भी नीचे से ऐसे आपको ऐसे फोल्ड करना, और यहां से ये देखिए आधा इंच यहां सिलाई लगानी है और आधा इंच इस वाले साइड को मोड़ के यहाँ ऊपर बाजू रह जाएगी, और यहां से हमारी दोनों को मिला के यहां से छोटी सी बखिया आधा इंच की आपको लगानी है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पास से दिखाते मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है। अभी हमारी सीधी साइड से ये देखिए ये छोटी सी बाजू, ये देखिए और एक इधर, तो ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब हमें बनानी है नीचे की, ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है। अब हमने बनानी है यहाँ पर चुन्नटें डाल के, इतनी चुन्नटें डालनी है जैसे आप चोली पहले बना लेते हो तो आपको इतनी चुन्नटें डालनी है कि आपकी जो ये चोली का नीचे वाला हिस्सा है उसमें सारी जो है चुन्नटें आ जाए, यानी कि कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए ऐसे प्लीट्स लेनी है आपको छोटी छोटी ऐसे, और ये देखिए ऐसे ऐसे प्लीट्स लेनी है, और इसको पहले आप चाहे तो सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद चोली को जोड़िए। ये देखिए मैं इस तरीके से चुन्नट डाल रही हूँ, ये मैं पहले भी कई ड्रेसेस में डाल चुकी हूँ। ये जैसे सुई है इसको नीचे की तरफ आपको करना है, और इस तरीके से देखिए ऐसे किया और दोनों उंगलियां ले जाकर इस तरीके से आगे की तरफ को कपड़े को धकेलना है, ऐसे जो पैर है मशीन का इसके अंदर इस तरीके से आगे को कपड़े को आपको इस तरीके से दोनों उंगली से ऐसे धकेलना धीरे धीरे, ये देखिए फिर सारा कपड़ा इस तरीके से उंगली। तो ये आपको चुन्नटें अलग से डालनी नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही प्यारी सी चुन्नट खासकर छोटी ड्रेस के लिए बहुत ही अच्छी है। तो देखिए हमने इस तरीके से खिसका के ऐसे उंगलियों से जो चुन्नटें डाली वो देखिए कितनी बारीक बारीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ज्यादा कपड़ा हो जाता है, ये हमारी थोड़ी सी पीछे आती है तो इसको सिलने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए आप यहाँ से किनारे से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कटिंग कर दीजिए, एक तो फिनिशिंग आ जाएगी। और ये देखिए हमारी कुछ इतना है, तो ये देख लीजिए आपकी चोली जितनी बनाई है, देखिए आपको ऐसे देखनी है यहाँ से किनारे पे लगा के ऐसे, तो इसको आपको इस तरीके से ये देखिए ऐसे कट के खींच, क्योंकि खींच जाता है आप इसको कवर कर सकते हो, चोली देखिए ऐसे खींचती है तो ऐसे खींच कर आपको चोली को खींचना है और नीचे वाले हिस्से को नहीं खींचना। ये देखिए यहाँ पर है और इसको इस तरीके से खींच कर ये देखिए यहाँ तक ऐसे हमने इसको सिल देना है, एक सिलाई लगा देनी है, तो आपकी ड्रेस जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए चुन्नटें कितनी प्यारी है ये देखिए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से चोली सिल दी है कितनी प्यारी सी, और हमारी छोटी सी ड्रेस बनके तैयार हुई है। इतना आप अपने आप से बनाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और आपके कान्हा जी के नाप की ड्रेस बन जाएगी, नहीं तो आप थोड़ी बड़ी लेके आएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया, आप चाहे तो इस पे गोल्डन कलर की कोई नग लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत ही हैवी लुक देगी, क्योंकि ये अपने आप में अभी भी बहुत हैवी लुक दे रही है। तो चलिए इसके साथ का नेपी भी बना लेते हैं, जो मैंने बताया था बिना सिलाई की बहुत ईजी है। ये देखिए हमने 2x2 इंच का कपड़ा ले लिया है, ये देखिए, और इसको हम इस तरीके से तिकोन करेंगे और बीच में से कट कर देंगे, तो दो नेपी हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कपड़ा जो वेलवेट का होता है बहुत खींचता है, ये देखिए ऐसे हमने, तो ये दो नेपी हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो इनको बांधेंगे कैसे, इसके लिए भी अब ये देखिए इस तरीके से खींचता है, जब आप कान्हा जी की कमर पे बांधेंगे तो आराम से नोट बंध जाती है क्योंकि ये खींचता है कपड़ा, लेकिन कैसे पहनाना है यहाँ पर, ये देखिए जो त्रिकोण है यहाँ पर इस जगह पर आपको छोटा सा एक होल करना है, ये देखिए ऐसे आपको बराबर पकड़ना है, चाहे तो आप इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लीजिए और छोटा सा बिल्कुल, ये देखिए कितना छोटा मैंने किया, ये देखिए और ये काफी खुल जाता है देखिए, और यहाँ से जो कोना है इसको बेशक आप इस तरीके से हल्का सा कट कर लीजिए। तो ये जब ये हमारा नेपी बनके तैयार हो गया, जिसमें आपको सिलाई की जरूरत नहीं, जब आप इस तरीके से नेपी बांधेंगे तो इस होल के अंदर से आपको ये कोना ऐसे लेना है कान्हा जी के पैर के अंदर से, जैसे आपने बच्चे को नेपी पहनाते ठीक इस तरीके से यहां से ऐसे ये लेना है, और सॉरी जैसे हम बांधते हैं ना इस तरीके से ऐसे करके, और यहां से ऐसे ले जाके और दूसरे वाले सिरे को इस तरीके से यहां से नोट बांध देनी है, एक टांग इधर आ जाएगी एक इधर
तो ऐसे हम इसको बांधेंगे, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, मैं पहनाती हूँ कान्हा जी को इसलिए बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेपी भी बन गया। देखिए जब इस तरीके से आप बांधेंगे तो ये देखिए ऐसे कुछ शेप आएगी, एक टांग इधर से कान्हा जी की, एक इधर से, और इस होल में से आपकी ऊपर की नोट बन जाएगी, बहुत प्यारी फिटिंग आती है। तो ये हमारी छोटी सी कान्हा जी की सिंपल सी ड्रेस के साथ हमने दो नेपी बनाई है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और आप भी वेलवेट की कम ठंड के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।